वेलकम एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट क्लास में पहुंच गए अमाइंस के, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस। आई होप पिछले जो दो वीडियोस मैंने बनाए जिसमें मैंने नोमेनक्लेचर समझाया वो तुम सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर अब समझ आ चुका है तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पहुंचेंगे जिसमें हम प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे हम अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें मैं एक चीज बता दे रही हूँ कि रिडक्शन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जब तुम अभी प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पढ़ोगे ना तो तुम देखोगे कि जो आधे से ज्यादा मतलब तीन प्रिपरेशन मेथड तो रिडक्शन करके अमाइंस बना देता है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि जिनको नहीं पता होगा शायद कि रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कह लो या फिर क्या कह लो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब जो रिडक्शन का प्रोसेस है ना वो किसी के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब वो कौन है वो हमें समझना है। जैसे कि जो रिडक्शन होता है ना, सबसे कॉमन रिडक्शन अगर तुम्हें कराना है तो क्या कर लो, रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। तुमने क्या ले लिया, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हें अभी यहाँ पे इस चैप्टर में फिलहाल में सबसे ज्यादा क्या दिखेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ठीक है। ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर दूसरा हम क्या कर सकते, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कराते, ठीक है। क्या कराते, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मैं अभी समझा रही हूँ। कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस इज पास्ड इन प्रेजेंस ऑफ क्या, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। देखो नाम में ही पता चल रहा है, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब हम हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ H2। हम H2 को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं, निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। तीसरा क्या है, तुम्हें तीसरा दिखेगा सोडियम अमैलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये भी तुम्हें दिखेगा यहाँ पे NaHg/C2H5OH, ठीक है। ये भी तुम्हें दिखेगा इस यहाँ पे। तो ये कुछ कॉमन ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, या ये अगर तुम्हें कहीं पे दिख जाएंगे तो समझ जाना कि वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिडक्शन मेथड दिया हुआ है NCERT में वो ये है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है। क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अब तुम्हें मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से हम दोनों बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। क्या बताया मैंने कि यहाँ पे हम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस दोनों को ही प्रिपेयर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, सुन लो, क्या करते हैं हम नाइट्रो कंपाउंड लेंगे, RNO2। मैंने बताया तुम्हें नोमेनक्लेचर के लिए जनरल नेम, और हर किसी में जिसका भी प्रिपरेशन पढ़ रहे हो तुम्हें उसका जनरल रिएक्शन याद होना चाहिए। अगर तुम्हें जनरल रिएक्शन याद है तो तुम सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से कर लोगे, ये मेरा गारंटी है, मैं बता रही हूँ। उस चीज़ को फॉलो करो तो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, नाइट्रो कंपाउंड ले लिया। अब वहाँ पे NCERT में यहाँ पे दो तरीके से रिडक्शन दिखा रखा है, एक कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन करा है और एक उन्होंने क्या किया है, एक मेथड एक्स्ट्रा दे रखा है जो मैंने वहां पे नहीं बताया। मेटल विथ HCl भी अगर प्रेजेंट होगा ना तो भी हम रिडक्शन करवा सकते हैं। जैसे कि RNO2 अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, तो यहाँ पे क्या होता है, ये नाइट्रो कंपाउंड अमाइन में चेंज हो जाता है। कैसे, मैंने क्या बताया, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का क्या होना, ऐड होना। तो होता क्या है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, या फिर NCERT में एक और चीज लिखा हुआ है, मेटल
विथ एच सी एल, ठीक है, इन दो में से कोई भी एक चीज तुम्हें दिखेगा। और मेटल में भी यहाँ पे क्या आयरन या फिर टिन विथ एच सी एल दे रखा है, ठीक है, ये तुम्हें दिखेगा। अगर तुम ऐसा कुछ यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ये करता क्या है, ये नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन या फ्री हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करते हैं, जो कि वो हाइड्रोजन एटम आते हैं इन ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। ऑक्सीजन को जब रिमूव करेगा तो नाइट्रोजन की दो वैलेंसी खाली हो जाती है, वहां उस दो वैलेंसी पे हाइड्रोजन लग जाता है। अब कैसे, मैं ये वाला बता देती हूँ जो कि एनसीईआरटी में खासकर मेंशन है। जब हम एसएन विथ एच सी एल लेते हैं तो यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे क्या बनता है, एस एन सी एल 2+2 हाइड्रोजन बना है यहाँ पे, ठीक है, ये जो बना है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। जब ऑक्सीडेशन होता है ना तब तब क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और जब रिडक्शन होता है ना तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है। अब वही चीज अगर हम Fe को ले लेंगे, Fe+2HCl, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, Fe Cl 2+2+ क्या, नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन हमें मिले। अब होगा क्या, रिडक्शन होता क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल। तो यहाँ पे जब ये 2 ऑक्सीजन निकलेंगे तो नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी, वहां पे ही क्या होते हैं, ये नेसेंट हाइड्रोजन जाके लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNH2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया तुम्हें, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन्स मिल गया है। बस यही होता है, बहुत सिंपल है हमारा। बस हमें याद रखना है जो चीज मैंने वहां बताई है वो याद रख लेना। एक एक्स्ट्रा मैं तुम लोग को बता दिया है कि अगर मेटल विथ एचसीएल दिया होगा ना तो वहां पे भी तुम्हें क्या कराना होता है, रिडक्शन कराना होता है, ठीक है। अब सेम अगर तुम इसमें एरोमेटिक ले लो, मतलब एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड ले लो, यहाँ पे NO2, और सेम एज इट इज ऊपर के जैसा कंडीशन अगर ले लोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिक अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, NH2, ठीक है। तो 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन हमें मिल गया है। अब देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जब हम रिडक्शन के लिए मेटल विथ एचसीएल लेते हैं ना तो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा प्रेफर्ड कौन सा रहता है हमारा, मोर प्रेफर्ड मेथड होता है। मोर प्रेफर्ड मेथड कौन सा लेते हैं हम, एफई विथ एचसीएल, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, देखो समझो इस बात को, जब यहाँ पे हम रिडक्शन के लिए मेटल विथ एच सी एल लेते हैं ना तो एच सी एल हम इसीलिए लेते हैं ताकि ये जो रिएक्शन है ना ये इनिशिएट हो, ठीक है, इस बात को समझो। मेटल विथ एच सी एल में एच सी एल क्या काम करता है, रिएक्शन को इनिशिएट कराता है। तो होता क्या है, जब एफ ई एच सी एल के साथ रिएक्ट करता है तो एफ ई सी एल टू बन रहा था जो कि मैंने यहाँ पे बताया, फिर एफ ई सी एल टू क्या होता है, हाइड्रोलाइज करता है। एफ ई सी एल टू हाइड्रोलाइज इंटू एफ ई सी एल थ्री एंड एच सी एल। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एफ ई विथ एच सी एल को हम इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे एफ ई सी एल टू जो बना है उसका हाइड्रोलिसिस होता है जिससे कि वो एफ ई सी एल थ्री और एच सी एल प्रोड्यूस करता है। तो इकोनॉमिकली जो होता है ये हमें फेवर करता है, इसीलिए इकोनॉमिकली जो है, मतलब ये थोड़ा हमें चीपर पड़ता है, सस्ता पड़ जाए, सस्ता नहीं कह सकते हो, मतलब ये तो ये क्या करता है, हमें अमाउंट ऑफ एच सी एल ज्यादा लेने से बचाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, जो एफ ई सी एल टू हमने लिया था वो हाइड्रोलाइज करके एच सी एल प्रोड्यूस करेगा, जो एच सी एल प्रोड्यूस हुआ है वो वापस वो ही क्या करेगा, रिएक्शन को इनिशिएट करा देता है, ठीक है। लेकिन एस एन विथ एच सी एल में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो एस एन विथ एच सी एल में हमें हमेशा एच सी एल का अमाउंट एफ ई विथ एच सी एल के कंपेरिजन ज्यादा लेना पड़ेगा। तो बस अमाउंट के वजह से यहाँ पे एफ ई विथ एच सी एल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला मेथड था जो कि मैंने समझा दिया है। अब देखो बाकी के 2 मेथड्स भी बहुत इजी और रिडक्शन भी बेस्ड है। दूसरा मेथड क्या है, हम नाइट्राइल्स से भी किसको प्रिपेयर कर सकते हैं, अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, RC(NN), ठीक है, जब हम इसका क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। अब रिडक्शन तुम कुछ भी कर सकते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा दो, मतलब हाइड्रोजन गैस को निकल प्लैटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में पास कर दो, या फिर क्या कर दो, यहाँ पे सोडियम एमैल्गम ले लो विथ क्या, C2H5OH, इथेनॉल।
या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो। तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब तुम रिड्यूसिंग एजेंट लोगे या अगर तुम इसका रिडक्शन करा रहे हो तो यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। अब वो नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड टूटते हैं, जिससे कि क्या होगा, दो कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है, दो नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगेंगे और दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2NH2। ठीक है, तो ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, 1 डिग्री अमाइन। अब दूसरा मेथड क्या होता है, फ्रॉम अमाइड्स। ठीक है, सॉरी, तीसरा मेथड क्या होता है, फ्रॉम अमाइड्स। अमाइड्स तुम्हें पता है क्या होता है, RCONH2। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, अमाइड। अब यहाँ पे भी तुमने क्या किया है, रिडक्शन कराया, रिडक्शन क्या करा दो, पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का के साथ ट्रीट करा दो, फिर इसका क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब यहाँ पे कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगा होता है ना, वो हटता है। जब ये हटेगा तो दो वैलेंसी फ्री होगी, तो इसके साथ दो हाइड्रोजन आके लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, RCH2NH2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया, 1 डिग्री अमाइन प्रोड्यूस हो गया है। मतलब यहाँ पे अमाइन प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे 1 डिग्री मैंने बस लिख दिया है। तो हमने अभी तक तीन मेथड पढ़ लिए, सबसे पहला क्या, रिडक्शन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। तुम समझ लो रिडक्शन अमाइंस के तीन प्रिपरेशन मेथड तो रिडक्शन से ही होंगे, और तीनों में क्या करना होता है, तुम्हें बस ये याद कर लो कि रिडक्शन हम किसके हेल्प के थ्रू करते हैं। ठीक है, फिर तुम्हें बस याद रखना है, नाइट्रो का रिडक्शन करा दो, अमाइड का रिडक्शन करा दो, नाइट्राइल्स का रिडक्शन करा दो, तो ये तीनों ही क्या देते हैं, अमाइंस देते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट फोर्थ मेथड पढ़ेंगे, जो कि क्या है, हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये चीज समझो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अमोनिया लेते हैं NH3, उसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन बनता है। मतलब क्या है उसका, मैं अभी बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक बात समझो, ये जो हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड होता है ना, ये क्या होता है, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, जिसमें कि जो अमोनिया, जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करता है, अमोनिया या फिर अमाइंस जो भी हम लेते हैं, वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर बिहेव कर रहा है, हमें ये पता चल गया कि न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल किसको सब्स्टिट्यूट करता है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किसको करता है, हैलोजन को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन किसका होता है, हैलोजन का। और ये बात हमें पता है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड कैन बी इजिली क्लीव्ड बाय एनी न्यूक्लियोफाइल। ये हमने हैलो एल्केन और हैलो एरीन में पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड कैन बी इजिली क्लीव्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये चीज पढ़ा है, और हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो हमने अमोनिया लिया है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है, तो पोलर होने की वजह से क्या होगा, हैलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेके पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव है कार्बन पार्ट, तो ये नाइट्रोजन के पास क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना लोन पेयर इसको देके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझो कि अब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, कैसा बॉन्ड बनेगा, RNH3+, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है, तो इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और एक्स माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन, अमोनियम सॉल्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसे अमोनोलिसिस क्यों कहते हैं। ठीक है, लिसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक, लिसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। और यहाँ पे टूट कौन टूट रहा है, यहाँ पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूट रहा है।
किसके थ्रू कौन तोड़ रहा है कार्बन हैलोजन बॉन्ड को, तो यहाँ पे अमोनिया क्या है, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड तोड़ रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस मेथड। मतलब यह है कि अमोनिया या अमाइंस के थ्रू कार्बन हैलोजन का बॉन्ड का टूटना, इसी को क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस मेथड। और हमने पढ़ रखा है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्योंकि पोलर होते हैं और न्यूक्लोफाइल के प्रेजेंस में उनका बॉन्ड ईजिली टूट सकता है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है, बनता क्या है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन। अब यहाँ पे क्या होता है, अब इसका मेरिट डीमेरिट हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है। जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पता है यहाँ पे क्या क्या निकलेगा, यहाँ पे NaX निकल जाता है, Na प्लस जो है वो X माइनस के साथ निकल जाता है, ये चीज समझ लो, पहले स्टेप में मैं बता दे रही हूँ। अब Na प्लस निकल गया तो OH माइनस बच गया, OH माइनस क्या करता है, इस NH3 प्लस के एक हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन को लेके H2O के फॉर्म में यहाँ पे NaX और H2O निकलता है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या बच गया, क्या बचेगा, नाइट्रोजन का, अगर समझना चाहो तो मैं ऐसे बता देती हूँ, RNH2 HX माइनस, ये कुछ ऐसा था, ठीक है। जब हमने इसे NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो NaOH में क्या होगा, Na प्लस X माइनस निकल जाएगा, ठीक है, NaX निकल गया। अब जो OH माइनस है वो क्या करेगा, इस H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जब हाइड्रोजन को ये लेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा नाइट्रोजन को, तो अब नाइट्रोजन को क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गए तो नाइट्रोजन के ऊपर का प्लस चार्ज जो है वो हट जाता है, और देखो यहाँ पे OH और H निकल गया H2O के फॉर्म में, तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन हट गया, हैलोजन हट गया और ये पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो क्या बच जाएगा, RNH2, ठीक है। अब ये चीज बन गया, कैसे बना है मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो बना है ये यहाँ पे क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है, ठीक है। अब एक बात समझ लो, ये जो 1 डिग्री अमाइन बना है, इट इज एज न्यूक्लियोफिलिक एंड एज बेसिक एज अमोनिया, इसके पास अभी भी इसकी जो बेसिसिटी है और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट अमोनिया की जितनी ही होती है। तो ये फिर से मिक्सचर में जो अल्काइल हैलाइड है उसके साथ ये फिर रिएक्ट करेगा, ठीक है। इट इज एज बेसिक एंड न्यूक्लियोफाइल एज अमोनिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब अगर बेसिक और न्यूक्लियोफाइल इसका नेचर है तो ये फिर से क्या करेगा, RX के साथ क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर से फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, R2NH, एक हाइड्रोजन को मैं नीचे अलग से बना दे रही हूँ, ठीक है, R2NH2 प्लस X माइनस, ठीक है, ये बनेगा। जब फिर से NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा बताओ, यहाँ पे NaX निकल जाएगा, दैट इज Na प्लस X माइनस, ये निकल गया और ये हाइड्रोजन और ये OH निकल गया और ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, R2NH, ये क्या बन गया हमारा, 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो अब फिर से क्योंकि मिक्सचर रिएक्शन में हमारे पास RX प्रेजेंट है एक्सेस में, ठीक है, ये हटा देती हूँ मैं, अब 2 डिग्री अमाइन बना है, फिर से ये 2 डिग्री अमाइन क्या करता है, RX के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, फिर से ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, R3NH प्लस X माइनस, ये बन गया। फिर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, NaX निकलेगा और वाटर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अमाइन बन गया, ठीक है। अभी सिर्फ समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक, तो ये 3 डिग्री अमाइन बना, फिर से अगर ये RX के साथ रिएक्ट करता है तो अब क्या बन जाएगा, R4N प्लस X माइनस, दैट इज इसी ये क्या बोलते हैं हम, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। देखो अब हमें ये समझना है कि इस रिएक्शन का डिमेरिट क्या होता है, इस रिएक्शन का जो डिमेरिट है वो ये होता है
यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो अब एक और बात यहाँ पे ये समझ लो कि अगर यहाँ पे तुम्हें प्राइमरी अमाइन ही सिर्फ चाहिए, अगर तुम इस मेथड से सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही चाहते हो, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। वो क्या है, एक लाइन समझो यहाँ पे, मिक्सचर में क्या बनेगा ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे मिक्सचर में एक्सेस में क्या है, RX एक्सेस में है कि अमोनिया एक्सेस में, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, कहाँ लिखूं मैं, प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ NH3 और RX प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे रिएक्शन में किसका अमाउंट एक्सेस है, ठीक है। सुन लो इधर एक बात, अगर तुमने एक्सेस में NH3 ले लिया, तो तुम्हें पता है, मान लो 10 टाइम्स जितना भी RX प्रेजेंट है ना, उसका 10 टाइम्स अमोनिया ले लो। तो अब अगर बहुत एक्सेस में तुमने अमोनिया ले लिया, तो तुम्हें पता है क्या होगा, एक्सेस अमोनिया जो है ना, वो RX के साथ रिएक्ट कर जाता है। यहाँ पे तुम देखो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट क्यों मिल रहा था, क्योंकि जो भी 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री या 3 डिग्री जो भी फॉर्म हो रहा था ना, उसके पास हमेशा उसको रिएक्शन में RX मिल जा रहा था। अब अगर उसको रिएक्शन में RX दिख रहा है, तो क्योंकि उसका 1 डिग्री अमाइन हो चाहे 2 डिग्री अमाइन हो चाहे 3 डिग्री अमाइन है, उसका नेचर बेसिक है, न्यूक्लोफिलिक है, तो वो क्या करता है, अपने नेचर की वजह से बार बार RX का न्यूक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देता है और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दे दे रहा था, ठीक है। तो अगर तुम अमोनिया ही एक्सेस में ले लोगे, उतना जितना RX एक्सेस में प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, तुम्हारा 1 डिग्री अमाइन तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। तब क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन जो है वो हमारा एज अ मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। और अगर तुमने क्या कर दिया, RX को एक्सेस में ले लिया, तब क्या होता है, क्वॉटनरी अमोनियम सॉल्ट ये हमारा जो होता है, ये मेजर प्रोडक्ट में बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। और अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस चीज को एक्सेस में ले रहे हो। अगर अमोनिया को एक्सेस में ले लेते हो, दैट इज 10 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ RX, तो क्या होगा, तुम्हारा 1 डिग्री अमाइन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर तुमने RX को एक्सेस में ले लिया और अमोनिया की क्वांटिटी कम है, तो क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है यहाँ पे एक्सेस में मिलता है, ठीक है। तो आई होप हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बात और समझ लेना, ये जो पूरा रिएक्शन होता है ना, ये 373 केल्विन में होता है और एक सील्ड ट्यूब में होता है। ये सब NCERT में लिखा हुआ है, ये उतना देख लेना और समझ लेना, ठीक है। तो आई होप हॉफमैन अमोनोलिसिस और रिडक्शन के जो मेथड है अमाइन को प्रिपेयर करने के लिए, वो सब समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, गैब्रियल और हॉफमैन जो बचे हुए हैं उसको समझेंगे, और हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और अगली वीडियो जरूर देखना।